उत्तर प्रदेश की जो फिल्म सिटी इतनी बड़ी जो परिकल्पना है जो बन रही है तो आपको एज ए फिल्म निर्माता क्या लगता है क्या कितना लाभकारी होगा ये देखिए हमने अभी दो फिल्में यहाँ पे शूट की लखनऊ में अटल जी की भी फिल्म यहीं पे थी और भैया जी भी तो मैं आ, एक तो बहुत बड़ा थैंक यू और धन्यवाद इधर के जितने भी अपदाधिकारी हैं बहुत ही सपोर्ट मिलता है मतलब हमको एक भी दिन का ओवर बजट नहीं गया वो सिर्फ इसके लिए था कि कोई एवरी डिपार्टमेंट एक्सटेंडेड फुल सपोर्ट एज अ प्रोड्यूसर क्या होता है हम लोग को जब फिल्म बनाते हैं तो हमारे लिए एवरी डे इज एन एक्सपेंस क्योंकि एक दिन पे 200-200 लोग होते हैं प्लस आर्टिस्ट की डेट्स से नौ स्टफ ये जो फिल्म सिटी uh, का जो मैंने अभी एक्चुअली प्रोशियर देखा कि जिस तरीके से वो बनाई जा रही है फॉर अस इट्स अ वन वन स्टॉप शॉप जैसे बॉम्बे में जो फिल्म सिटी है उसमें आपको एडिट वगैरह की फैसिलिटीज़ नहीं है या वी एफ और बहुत सारे मतलब आपको सेट बनाने पड़ते हैं यहाँ पे जो फिल्म सिटी बन रही है थोड़ी हाई टैक है आ, बहुत सारे सेट रेडीमेड सेट्स अवेलेबल होंगे इधर ही आप एडिट वगैरह भी कर सकते हैं और भविष्य में आई थिंक वी एफ स्टूडियोज़ वगैरह भी जिस तरीके से प्लान होगा क्योंकि जगह बड़ी है एंड यहाँ पे आर्टिस्ट मिल जाते हैं हमको हमको जो एक्टर्स हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सिर्फ एक बंदा काफी में सूर्य मोहन जी जो हैं वो लखनऊ के थे और कमाल का काम किया तो एक एक्टर्स जो हैं वो हम लोग को लोकल जो हिंदी फिल्म के लिए भी चाहिए ना वो अवेलेबल है यहाँ पे तो कुछ खास आपको कुछ ऐसी खास अपेक्षा जो मुंबई में ऐसी कुछ फैसिलिटीज नहीं मिलती हो जो कि यहाँ पे निर्माण हो रहा है उन सब चीज़ों को सहूलियत भाई एक ही एक ही जगह पे ना वन स्टॉप शॉप हो जाएगा ना अगर आप अंदर घुस गए फ, आ, आ, फिल्म सिटी में तो देन जैसे आप हैदराबाद जाते हो आप तो रामू जी राव में शूट करते हैं तो वो जो जो चीज़ें हम लोग को चाहिए होती हैं यहाँ पे एक बार शुरू हो गया तो एज अ प्रोड्यूसर विल विल ऑल्सो टेल ना कि हमें शायद ये फैसिलिटीज और अवेलेबल होनी चाहिए और हमें ये भरोसा है कि जो योगी जी इसमें इसमें बहुत रुचि भी रखते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं उनकी पूरी टीम हम लोग को दो फिल्मों में बहुत सपोर्ट मिला है तो देन जब अगर कोई भी चीज़ हमको चाहिए होगी जिससे फिल्म बेहतर बने और फास्ट बने उसका अगर एक रिक्वेस्ट डाला जाएगा तो वो पूरा होगा सो विल जस्ट कम विद अ थॉट और कुछ लोग लेके आएंगे और यहाँ फिल्म बना के जाएंगे नहीं महाराज जी को दिल से धन्यवाद कि इस वक्त जब हम आपसे दैनिक जागरण के इस कॉन्क्लेव में हैं अस्सी फिल्मों की शूटिंग इस वक्त हो रही है हिंदी भोजपुरी के अजय देवगंज से लेके गोरखपुर से लेके बनार अस्सी फिल्मों की शूटिंग आप लोग समझ सकते हैं मतलब एक फिल्म बड़ी हिंदी फिल्म होती है वो बीस करोड़ रुपया धरती पे देके जाती है भोजपुरी फिल्म डेढ़ करोड़ रुपया देके जाती है वेब सीरीज भी उतना है, तो वो सब पैसा यूपी की धरती पे ही जाता है तो यहां पर पूरा निवेश भी हो रहा है सब्सिडी भी महाराज जी की सरकार राज्य सरकार डबल इंजन की सरकार दे रही है तो ये इन अ वे बहुत ही अच्छी सोच है और सबसे अच्छा फिल्म वाले हम लोग इसलिए यहाँ फिल्म इंडस्ट्री खुश है सुरक्षा व्यवस्था जो कि हमारी पहले हीरोइने यहाँ आने से डरती थी एक्टर्स आने डरते थे यहाँ पर बहुत अलग सा माहौल था माफिया यहाँ जिला चलाते थे तो वो सारी जो भय निकल गया उसके लिए मैं महाराज जी को योगी सरकार को दिल से धन्यवाद देता रवि दुबे जी आपका भी यूपी से बनाता है तो आप जो सीरियल बना रहे हैं तो क्या उसमें कुछ यूपी की भी कुछ कहानियां हैं या अभी जो जो क्या कर रहे हैं किस तरह का सीरियल बना रहे हैं क्या उत्तर प्रदेश को से जुड़ी कहानियों को लेकर कोई सीरियल बनाने वाले हैं जरा आप बताएं लोग आपने अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल रवि भैया से पूछा था कि नोएडा में एक फिल्म सिटी बन रही है लखनऊ में एक बन रही है गोरखपुर में एक बन रही है तो क्या कई फिल्म सिटीज़ की इस तरीके की ज़रूरत है तो टू आंसर योर क्वेश्चन मुझे लगता है कि हर जगह कहानियाँ हैं और हर जगह कहानियाँ कहनी चाहिए उनको कहने के संसाधन वहाँ होने ही चाहिए तो जब आप किसी जगह की कहानी कहना चाहें मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश की कहानी अगर कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के किसी छोटे कस्बे तक की कहानी कहना चाहते हैं तो उस जिले के अंदर एडिट की सुविधा बैकग्राउंड की सुविधा कुछ टेक्नीशियंस का एक बहुत बड़ा नहीं है तो एक छोटा इको होना चाहिए कि आप वहाँ जाएँ जैसा विनोद जी ने एक बहुत अच्छा एक फ्रेज़ यूज़ किया वन स्टॉप शॉप वो वन स्टॉप शॉप अलग अलग क्वांटम में या अलग अलग मैग्नीट्यूड में हर जगह होनी चाहिए तो ये जो बहुत बड़ा काम रवि भैया कर रहे हैं गोरखपुर में भी जो बहुत बड़ा काम नितिन भैया और आप लोग सब लोग मिल करके यहाँ जो इतनी बड़ी फिल्म सिटी बना रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी अ वन स्टॉप शॉप एज विनोद जी सर जो नोएडा में इतनी बड़ी फिल्म सिटी बन रही है हमारा इंटेंशन मैं गोरखपुर से हूँ जी देवरिया एक छोटी सी जगह है गोरखपुर के पास में मैं वहीं से हूँ मेरा पैतृक निवास वहीं पर आ, तो मेरा बहुत भाव जो है गोरखपुर के साथ में देवरिया के साथ में जुड़ा हुआ है उस मिट्टी के साथ में जुड़ा हुआ है अब ऊपर वाले की कृपा से हम कहानी कहने वाले भी बन गए हैं मैं और मेरी वाइफ हम सिर्फ कहानियों का हिस्सा नहीं होते मेरी बहुत दिल से मेरी इच्छा है कि हम कुछ कहानियां वैसी बनाएं जो उत्तर प्रदेश की मिट्टी को लेकर के हो मुझे बहुत दुख पहुंचता है जब कई फिल्म मेकर्स जो है एज़ अ कंज्यूमर मैं एज अ मेकर नहीं कह रहा हूं जब एज कंज्यूमर कई आ, कई फिल्म मेकर जो है केवल गाली गलौज दिखाते हैं जब उत्तर प्रदेश की कोई कहानी उनको कहनी होती है या फिर वो केवल क्राइम दिखाते हैं जबकि नदिया के पार जैसी एक सुंदर सेंसिटिव फिल्म वो यूपी की धरती से आई है यहाँ की मिट्टी से आई है हर जगह हर घर के अंदर कहानी है अच्छी फील गुड स्टोरीज़ है हार्टलैंड स्टोरीज़ है इंस्पायरिंग स्टोरीज़ है आई एस की कहानियाँ हैं तो जब इस तरीके के इकोसिस्टम बनेंगे तो हम सभी लोग अपनी कहानियां कह पाएंगे एक आप लोग क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग दिग्गज यहाँ पर बैठे हुए हैं आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं हमारा जो एक इकोसिस्टम एक है उसकी तरफ से कि जनरली जब ये फ़िल्म सिटी बनती हैं जगह जगह पर बनती हैं और सब्सिडी वगैरह की बात होती है तो टेलीविजन प्रोडक्शन के साथ में एक थोड़ा सा सौतेला व्यवहार हो जाता है जबकि एक फैक्ट्री की तरह है वो और रोज़ के रोज़ हम एपिसोड प्रोड्यूस करते हैं रोज के रोज हम डिलीवर करते हैं तो अगर उसके ऊपर भी आप लोग कभी जब आप बना रहे होंगे फिल्म और सब्सिडी की चर्चा कर रहे तो उसके ऊपर भी आप चर्चा करेंगे तो और ज्यादा इन्विटेशन लोगों को मिलेगा और और ज्यादा सहूलियत बढ़ जाएगी टीवी प्रोड्यूसर्स लिए बढ़ जाएगी बिकम डेडलाइन सेंट्रिक मीडियम है कितने सारे वेरिएबल्स uh, जो है वो इन्वॉल्व हैं तो अगर मान लीजिए हम गोरखपुर आकर के लखनऊ आकर के हम जैसे कि पंजाब में ही पूरा सीरियल अपना शूट करते हैं उसके अपने वेरिएबल्स हैं अपने स्ट्रेंथ्स भी हैं लाइबिलिटीज़ भी हैं यहाँ भी शुरुआत जब होगी तो शायद स्ट्रेंथ्स और लाइबिलिटीज़ दोनों होंगी और जहाँ लाइबिलिटीज़ पर स्ट्रेंथ बन जाएंगी तो जस्ट क्योंकि आप लोग सब लोग यहाँ पर हैं मैंने सोचा ये बात जो है मैं अपनी अर्जी थोड़ी सी डाल दूँ ताकि आप लोग के दिमाग पर रहे एक सवाल रवि देवी जी आपसे सही एक सब में जहाँ अभी लोग सिनेमा के को एक की तरफ बहुत ज़्यादा जोर है छोटे पर्दे को लोग थोड़ा कमतर समझते हैं आपका जो जो फोकस है कि आप छोटे पर्दे के लिए जो आ, काम कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि उसकी अहमियत सिनेमा के मुकाबले कुछ काफ़ी कम हुई है या फिर दोबारा से छोटा पर्दा बढ़ा रहा है नहीं अहमियत उसकी कम हो नहीं सकती कभी क्योंकि ये दो बिज़नेस मॉडल्स अलग अलग हैं ओ okay. और फिल्म्स एक अलग किस्म का ही अपॉइंटमेंट व्यूइंग है मतलब ये बिंज व्यूइंग है एक तरीके का ओ और आप टिकट खरीद करके सिनेमा हॉल में जाते हैं सिनेमा एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ फिल्में और कुछ कंटेंट जो है बड़े पर्दे पे ही अच्छा लग सकता है कुछ कंटेंट आप ओ टी टी पर इन्जॉय करते हैं बिंज वॉच करते हैं आप सारे के सारे पूरा सीजन आपका एक बार में आ जाता है अपनी सहूलियत के हिसाब से आप जाइए देखिए एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेट इतने सालों से सस्टेन करके टेलीविजन में रखा हुआ है जैसे अपॉइंटमेंट व्यूइंग कहते हैं कि साढ़े आठ बजे अगर मेरा सीरियल आ रहा है तो साढ़े आठ बजे आपके घर की औरतें लेडीज़ माँ बहनें जो हैं जो कुछ भी कर रही हैं वो छोड़ करके टी वी के सामने बैठेंगी और अपने परिवार के सदस्य की तरह उसको अपने परिवार में वेलकम करेंगी सो so, टेलीविज़न uh, कहीं जा नहीं सकता है अभी भी ये एक, एक बहुत ही को एग्जिस्टिंग इको है जहाँ टेलीविजन को फिल्मों के साथ में और ओ के साथ में हाथ में हाथ डालकर कंधे से कंधा मिला करके चलना है उतना ही एवोल्यूशन जो है आगे बढ़ेगा हम फिल्में भी प्रोड्यूस करते हैं आ, हमारी अगली रिलीज़ जो है जटनू चुड़ैल टकरी वो पंद्रह मार्च को रिलीज हो रही है आ, फिल्म लेकिन टेलीविजन हमारा स्टिपल है हम कभी उससे मतलब वो एक जड़ है जहाँ से मेरी और सरगुन की शुरुआत हुई हम उसे कभी छोड़ेंगे नहीं रवि किशन जी आपसे एक सवाल है ये आखिरी सवाल है जनता लेगी आप एज ए नेता पाँच साल सांसद आपको जनता की बहुत सारी समस्याएं भी पता चल गई हैं चलो प्रधानमंत्री जी कहने पर भी आपने फिल्म बनाई तो आप जब अभी कोई ऐसी फिल्म बनाएंगे प्रोड्यूस करेंगे तो वो उसके उनको लेकर क्या कोई फिल्म आपके दिमाग में चल रही है जनता को लेकर नहीं जनता के जन, जनता की समस्याओं को लेकर जी 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 मेरे पास अभी बहुत सारी एक 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 बहुत कमाल का किस्सा मैं बताऊंगा और वो चीज़ मुझे दिल को छू गई कोविड कर कोरोना आया था तो बहुत हम सब घबरा गए थे मैं भी घबरा गया था मेरी पत्नी भी घबरा गई थी बच्चे भी घबरा गए थे और मैं बंबई में फंस गया था जहाज़ बंद हो गया था मुझे गोरखपुर आना था क्योंकि मुझे सब अस्पताल बेड के लिए इसके लिए लगातार 24 घंटे फ़ोन बजते थे कुछ को बचा पाया कुछ को नहीं बचा पाया कुछ की मृत्यु हो गई तो मैं बड़े ट्रॉमा से गुजर रहा था और उसके बाद पहले जैसे जहाज़ शुरू हुआ कोविड बंद हुआ और मैंने पहली फ्लाइट ली गोरखपुर की और मैं पहुंचा तो वहां बाढ़ आ गई थी बाढ़ उस क्षेत्र में गया तो बाढ़ आई और मुझे खबर आई कि एक, एक बच्ची मछुआरा समाज की निषाद समाज की बच्ची नाव बाढ़ में भी नाव लेकर स्कूल जा रही थी वो चीज मुझे बहुत छू गई मैं उस बच्ची से मिलने फिर मैं भी चूंकि बाढ़ का एक क्षेत्र था वहां पर और इट वॉज क्योर समथिंग यू नो समाइम इट हैपन्स थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल एंड नेचर का जब नेचर का प्रहार होता है प्रकृति का तो किसी कोई कोई भी ताकत उसको बचा नहीं रोक नहीं उस फिर मैं भी नाव लेके क्योंकि बाढ़ का इलाका था मैं वहाँ गया गोरखपुर ऐसे कटोरे की तरह अब तो बहुत समस्याएं सुलझ गई और मैं फिर गया वहाँ उस बच्ची से मिला वो बच्ची बहुत प्रभावित की और उसके आज वो उसकी हम क्या महादेवी सब देख रहे हैं अब उसकी पढ़ाई वगैरह जो भी सारी चिंताओं को देख लिया गया हमने कहा अब चिंता मत करो अब तुम पढ़ो उसको रेलवे में कुछ बनना है उसी से उन्होंने पहली चीज़ बोली कि भैया हमको रेलवे ऑफिसर बनना है रेलवे में काम करना बोला बेटा तुम पढ़ो आगे बढ़ो वो लड़की की कहानी मेरे दिल में है और मैं ज़रूर उस पर एक फिल्म बनाऊँ विनोद जी आपने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं अरे दर्शक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हम लोग तो अपना ऐसे करते रहते हैं एज ए निर्माता आपको किस फिल्म पर बनाने के बाद गर्व की अनुभूति हुई सिर्फ एक बंदा काफी है बोल रहे क्योंकि इसमें हम लोगों ने जब फिल्म भी बनाई थी अपने उस बच्ची के लिए फिल्म बनाई जिन्होंने देखी हुई फिल्म ये तो हमने एक्चुअली उस बच्ची को देख के फिल्म बनाई जैसे आज रवि जी ने कहा एक स्टोरी बताई तो वो वो भी एक सत्य घटना ही है वो बच्ची की हिम्मत थी कि उसने अपने मदर फादर को बताया कि ये मेरे से कुछ एक आ, आ, साथ में सही नहीं हुआ और उस मदर फादर को फिर वो वकील के पास जाना सो एवरी एक्चुअली उस सिस्टम ने पूरा फाइट किया उस आ, विलन के सामने जो कि हमारे आजू बाजू ही है अगर आपने फिल्म देखी हो तो वो एक बहुत बड़ा सवाल था कि और हमने वो फिल्म इसलिए बनाई थी कि अगर कोई भी पावरफुल आदमी ये समझ रहा है कि उसका कोई भी निष्कर्म हो या ऐसी कोई चीज़ कर देगा एंड ही विल यू नो आउट ऑफ द लॉ मतलब उसको कोई लॉ कुछ नहीं कर पाएगा तो वो गलत है उसको अगर एक सच्चा आदमी मिल गया तो ये पुट में बिहाइंड बार्स